अत्यारे एक पूर्व विहार नो विस्तार बनाया
मगध
एक शक्तिशाली माध्यमवाद बन्यू हतु के जे राजाशाही राज्यतंत्र हतु एमा जे सूचना समय मगध राज्य एक शक्तिशाली राज्य हतु अने आ मगधनी अंदर त्रण मजबूत वंशोए शासन कर्युं। केटला मजबूत वंशोए शासन कर्युं तो के त्रण कया कया तो हयकवान नागवान अने दंडवत। मगध मां के त्रण मजबूत वंशोए शासन कर्युं हतु हयकवान नागवान अने दंडवत। हवे आ त्रण वंशो विशे थोड़ी घणी आपणे माहिती मेळवी तो के हयकवान अने आ हयक वंशनो स्थापक एक इंदिसा नामनो राजा हतो। के हयक वंशनो स्थापक कोण हतो तो के इंदिसा। अने ए वखते मगधनी राजधानी तरीके राज्य एटले के गिरिवज्र हती जे गंगा अने सोन नदीना किनारे आवेलू हतु। तो के इंदिसा स्थापक हतो अने ए समय मगधनी राजधानी राजगृह हती जे गंगा अने सोन नदीना किनारे आवेलू हतु। अने बिंबिसार पछी तेनो पुत्र अजातशत्रु ए शासन पर आवे छे अने ए हवे पोतानी राजधानी पाटलिपुत्र ने स्थान आपे छे। अने तेणे आ जे अजातशत्रु हतो तेणे वज्रेश्वर साथे युद्ध करी अने लिप्पीओने हराव्या हता अने एने मगधनो राज्याभिषेक कर्यो हतो। तो के जे अजातशत्रु हतो बिंबिसार पछी कोण आवे शासन करतो के अजातशत्रु। अने एने कोई साथे युद्ध कर्यो तो के वज्रेश्वर साथे युद्ध करी अने लिप्पीओने हरावी अने एने मगधनो एक राज्य विस्तार कर्यो हतो। हवे आ हयकवंश पछी आवे छे नागवंश। हयकवंश बाद के नागवंश पत्ता पर आवे छे अने नागवंश नी अंदर शिशुनाग नामनो बोधचर्म साथे संकळायेला राजानो समावेश थाय छे। तो के नागवंशमां कयो राजा आवे तो के शिशुनाग अने जे बोधचर्म साथे संकळायेलो हतो अने एना पछी छेल्लो वंश आवे छे नंदवंश। के नंदवंशनी अंदर महापद्मनंद द्वारा स्थापित थयुं हतुं अने ए नंदवंशनो सौथी शक्तिशाळी शासक हतो। तो के नंदवंशनो महापद्मनंद ए सौथी शक्तिशाळी शासक हतो अने महापद्मनंद ए भारतनो सौप्रथम साम्राज्यनो निर्माता गणाय छे। अने एना समयमां मगध ए एक शक्तिशाळी राज्य बन्युं हतुं अने सिकंदर लोधीए भारत पर आक्रमण कर्युं त्यारे मगधनो पर नंदवंशनो आ धननंद नामनो राजा शासन करतो हतो। तो के नंदवंश त्यारे शासन पर हतुं त्यारे सिकंदर लोधीए भारत पर आक्रमण कर्युं हतुं अने ए समये धननंद नामनो राजा એ શાસન કરતો હતો। તો આજે આપણે આ પાઠની અંદર જનપદ એટલે શું તો કે જનપદ એટલે કે મહારાષ્ટ્રના હસ્તાનું એક ક્ષેત્ર કે સ્થાન પછી માધ્યમવર્ગની અંદર 16 માધ્યમવર્ગો હતા જે પાલી ભાષામાં લખાયેલા અનુવૈદિક કાળ અનુસાર કે અંગુત્તર નિકાય નામના ગ્રંથની અંદર એનો ઉલ્લેખ કરેલો છે। એના પછી રાજાશાહી શાસન વ્યવસ્થા રાજાશાહી શાસન વ્યવસ્થાની અંદર એ વખતે મગધ કોશલ વર્ષ અને અવંતી આ ચાર મુખ્ય રાજ્યતંત્રો હતા। એમાં મગધ એ શક્તિશાળી રાજ્ય હતું અને મગધની અંદર ત્રણ મજબૂત વંશોએ શાસન કર્યું હયકવંશ નાગવંશ અને નંદવંશ। હવે આપણે આગળ નવા સ્તરની અંદર ગણ રાજ્યો વિશેની માહિતી